बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखने लगा है। कई राज्यों में तेज हवाएं चलने लगी हैं, साथ ही आसपास के राज्यों में तेज बारिश होने लगी है। ये तूफान 24 अक्टूबर की देर रात उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। इसका असर पश्चिम बंगाल तक दिखाई देगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र की माने तो ये तूफान भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा और करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। इसे देखते हुए उड़ीसा के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दाना तूफान के चलते 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक यानी करीब 16 घंटे में करीब 300 फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी। दावा है कि इस तूफान का असर करीब 7 राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड हाई अलर्ट पर है और उसने समुद्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं किस चक्रवाती तूफान का नाम दाना पड़ा कैसे, ये नाम किसने दिया है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? दरअसल चक्रवाती तूफान का नाम दाना कतर ने दिया है। खबरों की माने तो चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के आधार पर कतर ने इस तूफान को नाम दिया है। अरबी में दाना का अर्थ होता है उदारता और कतर ने क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार इस चक्रवात का नाम चुना है। अब सवाल ये है कि आखिर तूफानों के नामकरण की परंपरा शुरू कब हुई? दरअसल साल 1953 में अटलांटिक क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन हिंद महासागर में साल 2000 में WMO यानी विश्व मौसम संगठन के तहत नामकरण का सिलसिला शुरू हुआ। इस समूह में शुरुआत में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान और थाईलैंड शामिल थे, लेकिन साल 2018 में इस समूह का विस्तार हुआ, जिसके बाद ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भी शामिल हो गए। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2020 में चक्रवातों के लिए 169 नामों के सुझाव वाली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में हर देश द्वारा सुझाए गए 13 नाम शामिल थे, जिसके बाद कतर ने दाना नाम का सुझाव दिया है। बता दें कि उड़ीसा में तूफान से प्रभावित 14 जिलों के स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इन जिलों में सभी टूरिज्म पार्क के साथ उड़ीसा हाई कोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि बचाव कार्य के लिए NDRF, ODRF और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News18 India ओरिजिनल्स के साथ।